हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वी ज्ञान प्रॉपर यूज़ ऑफ एक्सेल फॉर्मूलाज पार्ट टू आज के वीडियो में हम लॉजिकल फॉर्मूला काउंट इफ़ के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है इफ़ और हमने आगे एक वीडियो में इफ़ और नेस्टेड इफ़ यानि कि मल्टीपल इफ़ फंक्शन का उपयोग करना बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आज हम बात करेंगे काउंट इफ़ फॉर्मूला काउंट इफ्स फॉर्मूला के बारे में चलिए एक्सल का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं फ्रेंड्स काउंट काउंट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से लेके जितना भी डेटा सिलेक्ट करेंगे और काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमरिक वैल्यू होगी चाहे वो ज़ीरो हो माइनस हो या प्लस हो वो न्यूमरिक वैल्यू काउंट करके दे देगा चलिए यहाँ पर काउंट फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट बंद एंटर कितना हो गया 250 अब हमारी कॉलम कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ट्वेल्व यानी कि बारह कॉलम है, और हमने रो लिए थे ट्वेंटी फाइव लेकिन इसमें ये जो है वो टेक्स्ट वैल्यू है और यहाँ पर भी ये टेक्स्ट वैल्यू है तो काउंट फॉर्मूला टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करेगा तो कॉलम हो रह गई दस दस इंटू ट्वेंटी फाइव यानी कि दो सौ पचास काउंटे यानी कि टेक्स्ट न्यूमेरिक सब कुछ गिनती करना है तो उसके लिए है काउंटे फॉर्मूला काउंटे मतलब काउंट ऑल इज इक्वल टू काउंट ऑल यहाँ से लेके यहाँ तक ट्वेंटी फाइव ब्रैकेट बंद और एंटर ये बारह कॉलम थे और ट्वेंटी फाइव रो तो बारह इंटू ट्वेंटी फाइव यानी कि तीन सौ अब आता है काउंट इफ़ एक लॉजिकल कंडीशन की जो वैल्यू होगी वो हमारी रेंज में कितनी बार है वो काउंट करने के लिए काउंट इफ़ फार्मूला का इस्तेमाल होता है जैसे कि हम यहाँ से ले कर यहाँ तक ट्वेंटी फाइव तक गिनती करते हैं इस सात सब्जेक्ट सात सब्जेक्ट के मार्क में कितने लेस देन फोर्टी हैं ये हमें काउंट करना है इस तरह से तो यहाँ पर लगाते हैं काउंट इफ़ फॉर्मूला रेंज क्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा क्राइटेरिया क्या होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन फोर्टी डबल इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद और एंटर ये जो हमने रेंज दी है उसमें 21 बार लेस देन फोर्टी वैल्यू आई हुई है चलिए चेक करते हैं ये हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे अब आता है काउंट इफ्स काउंट इफ्स फार्मूला आपको एक से ज़्यादा लॉजिकल कंडीशन लगानी है और उसमें जो वैल्यू आएगी आपकी लॉजिकल कंडीशंस जो होगी उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी उसको गिनती करने के लिए काउंट इफ्स फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है चलिए यहाँ पर देखिए ये हमारा कुछ सेल्स का डेटा है और मान लीजिए हम यहाँ पर ऊपर एक रो ऐड कर देते हैं चलिए <coughs> यहाँ पर हमें काउंट इप्स का फॉर्मूला लगाना है लेकिन उसमें हमें क्या क्या कंडीशन लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा इज इक्वल टू काउंट इप्स ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया कौन सा होगा तो हम सबसे पहले लेते हैं वहीकल नंबर तो उसकी रेंज है ये वाली कॉलम लेकिन हम कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू है और यहाँ पर अगर कुछ लिखेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा इसलिए हम इस तरह से रेंज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर लास्ट वाला जो डिजिट है उसको बदल के एक लाख या दस लाख कर देंगे कॉमा क्राइटेरिया क्या होगा तो यहाँ पर हमने व्हीकल नंबर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू में लिखा है तो मैं लिख लेता हूँ कोई भी एक नंबर सेवन सेवन फोर सेवन कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू दूसरा क्राइटेरिया ये वाला ले लेते हैं तो यहाँ पर भी सेम उसको हटा के डिजिट बदल देंगे कॉमा क्राइटेरिया क्या होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए एक्स एल लिख देते हैं ए एक्स एफ एल डबल इन्वर्टेड कॉमा ये दो कंडीशन हमने दी है अगर आपको इससे भी ज़्यादा कंडीशन देनी है तो यहाँ पर आप ये वाला तीसरा भी ले सकते हैं चलिए तीसरा ले लेते हैं कॉमा क्राइटेरिया रेंज होगा ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेवन के जी प्रोडक्ट वन ब्रैकेट बंद और एंटर देखिए दो बार ये वैल्यू आई हुई है जो हमने कंडीशन ली है वो अब इसका क्रॉस चेक कैसे करेंगे अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिल्टर लगा देते हैं ठीक है फिर यहाँ से हमने पहला लिया था सेवन सेवन फोर सेवन तो सबको अनचेक करके सिर्फ और सिर्फ सेवन सेवन फोर सेवन को चेक कर लेते हैं ओके करते हैं दूसरा लिया था यहाँ पर एक्स एफ एल इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर तीसरा लिया था सेवन के जी प्रोडक्ट वन इसको ओके okay कर देते हैं अब ये कितनी बार आया है वो देख लीजिए यहाँ से लेके आप नीचे तक चले जाइए देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका रिज़ल्ट 264 और हमने जो फॉर्मूला लगाया है उसमें भी क्या आया है 264 तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फॉर्मूला का प्रॉपर यूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको सही रिज़ल्ट चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लॉजिकल फॉर्मूला के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग